जय भोले की, हर हर महादेव, बम बम भोले। आप सभी को जन्माष्टमी की बहुत बहुत बधाई। यह त्योहार श्री कृष्ण के जन्मदिन के रूप में मनाया जाता है। आज हम आपको जन्माष्टमी के बारे में बताते हैं कि यह त्योहार क्यों मनाया जाता है। पौराणिक कथाओं के अनुसार भाद्रपद कृष्ण जन्माष्टमी को मथुरा में श्री कृष्ण का जन्म हुआ था। कहा जाता है कि कंस ने अपने पिता उग्रसेन से राजगद्दी छीनकर उन्हें जेल में बंद कर दिया था। इसके बाद वह खुद मथुरा की राजगद्दी पर बैठ गया। कंस की एक बहन थी जिसका नाम देवकी था। वह देवकी से बहुत प्यार करता था। कंस ने देवकी का विवाह वासुदेव से कराया, लेकिन देवकी की विदाई के वक्त आकाशवाणी हुई कि उसका आठवां पुत्र कंस का वध करेगा। आकाशवाणी सुनकर कंस डर गया। इसके बाद उसने देवकी को मारने का फैसला कर लिया, लेकिन वासुदेव ने कंस को समझाया कि हम आपको आठवां पुत्र लाकर दे देंगे, तब तुम उसे मार देना, लेकिन अपनी बहन को मत मारो। कंस को वासुदेव की बात अच्छी लगी और उसने देवकी और वासुदेव को कारागार में बंद कर दिया। कंस ने देवकी और वासुदेव की 7 संतानों को मार दिया, लेकिन जब देवकी की 8वीं संतान का जन्म होने वाला था, तब आकाश में बिजली कड़क रही थी। रात के 12 बजे जेल के सारे ताले खुद ही खुद टूट गए और वहां की निगरानी कर रहे सभी सैनिकों को गहरी नींद आ गई और वे सो गए। कहा जाता है कि उस समय भगवान विष्णु प्रकट हुए और उन्होंने बताया कि वे देवकी की कोख से जन्म लेंगे। इस क्रम में आगे उन्होंने कहा कि वे उनके किशन रूप अवतार को गोकुल में नंद बाबा के पास छोड़ आए और उनके घर जन्मी कन्या को मथुरा लाकर कंस को सौंप दे। इसके बाद वासुदेव ने भगवान के कहे अनुसार किया। वह कान्हा को नंद बाबा के पास छोड़ आए और उनकी कन्या को कंस को सौंप दिया। नंद और यशोदा ने श्री कृष्ण का लालन पोषण किया। उन्होंने यशोदा माता को भी मातृत्व और नंद बाबा को पिता का सुख दिया। उन्होंने वहाँ पर बहुत सारी लीलाएं करी। फिर श्री कृष्ण भगवान बड़े होकर कंस का वध कर दिया। उन्होंने अपने माता पिता देवकी और वासुदेव को जेल से रिहा कराया और कंस के पिता राजा उग्रसेन को भी रिहा कराया। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय हो। जय भोले की, हर हर महादेव, बम बम भोले।